हाय, वेलकम ऑल ऑन जिम्स ऑर्बिट। देखिए, अब तक हमने दो पार्ट्स में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप का एक वीडियो बनाया था, लेक्चर सीरीज़ की थी, जिसमें दो पार्ट अपलोड किए थे मैंने। और मैंने कहा था कि लीनियर इक्वेशन को शुरू करने से पहले वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली में कोऑर्डिनेट हमें नहीं आता, पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं पॉइंट को किसी कार्टेशियन प्लेन में, उसके बाद लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी नहीं आता था। तो वहाँ पे हमने वही चीज़ें सीख ली थी। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स पार्ट टू, आप उसे देख लीजिएगा अगर आपको पॉइंट प्लॉट करने में या लाइन प्लॉट करने में दिक्कत होता है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है टू वेरिएबल्स में। देखिए, इसके लिए समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी एक पिक्चर ले ली है। इस पिक्चर में आप देखेंगे तो आप पाएंगे एक साइकिलर है, वो साइकिल चला के एक पाथ पर जा रहा है और फिर वो पाथ दो रास्तों पर बढ़ जा रहा है। ठीक है, देखिए, आपने एक इक्वेशन पढ़ी है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है फिजिक्स में, है ना, आपने पढ़ी है। देखिए, ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही है टू वेरिएबल में। बताएं कैसे? देखिए, अभी अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि u, हमें कह सकता था कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी फिक्स है, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी फिक्स हो गई है, जैसे 5 है मीटर पर सेकेंड, और वो किसी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही बढ़ रहा है, यानी a भी फिक्स है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, v इज इक्वल टू हो गया 5 प्लस 2t, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड भी जो होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो भी बढ़ती जाएगी। और ये बात सही भी है, क्योंकि जितना तेज़ी, जितना देर तक वो चलाएगा, अगर उसका एक्सेलरेशन कम नहीं हो रहा है, उसे कोई रोक नहीं रहा है, यानी वो ब्रेक भी नहीं लगा रहा और सामने से कोई ट्रैफिक भी नहीं है, तो वो भगाते चला जाएगा अपनी साइकिल को तेज़ी से और उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। वो अलग बात है कि एक टाइम के बाद इस साइकिल की भी एक लिमिट होती है स्पीड को जाने, अचीव करने में, लेकिन वो तो अलग ही केस हो जाता है। अभी हम कॉमन सेंस से ये बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। एक ये लीनियर इक्वेशन है, देख रहे हैं आप, जनरली हमें सबको लगता है कि यही लीनियर इक्वेशन होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, एक्स बदलेंगे तो भी बदलेगा, वाई बदलेंगे तो भी बदलेगा, पर ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही है दो वेरिएबल में। देखिए क्यों, मैं वी को कह देता हूँ कि ये वाई है और मैं टी को कह देता हूँ ये एक्स है, तो देखिए एक इक्वेशन नहीं दिख रही आपको ऐसी, 2x माइनस वाई, वाई को उधर भेज देते हैं और 5 को उधर, तो 5 को उधर नहीं भेज के अगर यहीं पे लिखना चाहते हैं तो यहीं लिखा रहने दीजिए तो जीरो ही रह जाएगा। तो देखिए आ नहीं रहा है, 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, सेम वैसी इक्वेशन है। तो आप समझे, आप पहले ही ये पढ़ते हुए आ रहे थे लेकिन आप कभी ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही है, आपने पहले ही पढ़ लिया था। तो टेंथ में कुछ ऐसा नया नहीं होने वाला है, आप पहले भी वो कर चुके हैं, अब थोड़ा सा वो रूप बदल चुका है बस, अब वो प्योर मैथ्स है और यहाँ वो फिजिक्स में यही मैथ्स लग रही है, आप समझ रहे हैं। तो देखिए, यही मैथ्स जो है आपकी ट्रांसफ़र होती है फिजिक्स में और आपको पता ही नहीं लगता। तो चलिए, अगर आपको ये बात अब समझ में आ गई है तो अब आप हम जनरल मैथ्स की एक बात करते हैं कि जब ये बंदा चल रहा होगा तो टाइम के हिसाब से चल रहा होगा, तो इसका पाथ कैसा है? देखिए, लाइन पे चल रहा है तो इसका पाथ है लीनियर, और यही ये चीज़ बताती है इक्वेशन कि एक लाइन का पाथ है। अगर एक कर्व होगा तो वो हम क्वाड्रेटिक में बात करूँगा, मैं उसके बारे में अभी नहीं बात कर रहा हूँ। तो ये वाले पाथ पे जब चलेगा ना, ये कर्व पाथ जैसा दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक टाइप का पाथ है, तब इसके बारे में बताऊँगा कि इसकी इक्वेशन कैसी होगी मैथ्स में, अभी नहीं। अभी के लिए समझिए कि ये लीनियर पाथ है, तो ये दो रास्ते तय कर सकता था, एक इधर आता, फिर इसके पास दो ऑप्शन थे, या तो इधर मुड़ सकता था या तो इधर मुड़ सकता था, दोनों ही लीनियर इक्वेशन ही हैं, बस एक नई इक्वेशन है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन सेम नहीं हो सकती। और देखिए, दोनों इक्वेशन कहीं ना कहीं टकराती हैं, जहाँ दोनों पाथ टकराए हैं, जैसे ये वाला पाथ और एक ये वाला, उस पॉइंट को आप उनका इंटरसेक्शन कहते हैं। सब लोग यही तो कहते हैं, आप नहीं कहते हैं कि अरे वो उसको उस मोड़ पे मुझे दिखा वो आदमी, या वो मोड़ था जब यहाँ पे मैंने उस कार वाले को देखा था, वो ऑडी जा रही थी। हाँ, तो अगर ऑडी तो कार होती है ना, तो देखिए, तो आपने वो इंटरसेक्शन देखा ना, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप कहेंगे नहीं, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, देखिए दो पाथ है ना, देखिए एक ये चल रहा है और एक ये चल रहा है, देखिए दोनों रोड अलग अलग चल रही हैं, तो ये कहीं जुड़ नहीं रही हैं, क्योंकि ये तो देखिए एक इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, अगर ये दोनों जुड़ जाएंगी एक दूसरे में आके, तो इधर वाला आदमी उधर वाले आदमी से टकरा नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए आप ये देखिए कि ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कहीं हो रही हैं, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। जबकि ये वाली लाइन जो है, ग्रीन वाली और ब्लैक वाली आप कहें तो ये भी इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में टकरा रही हैं, और ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि इंटरसेक्टिंग होती है या नॉन इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग में एक और एक्स्ट्रा केस होता है, अभी वो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं बात करते हैं। तो अब आप इसको बात को समझ गए हैं कि इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग में आपको कुछ पहचानने आना चाहिए, तो मैथ्स कुछ हमें पहचानने को देती है। ठीक है, अब देखिए उसको पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, फिर आगे बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो है द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन
द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज व्हाट? इट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू जीरो. समझ गया आप बात को? देखिए इसमें ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोफिशियंट ऑफ वाई, और सी. तो एक्स और वाई दो वेरिएबल इसलिए हैं क्योंकि ये देखिए मैंने पहले भी बात की थी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स पार्ट टू में कि क्योंकि हम दो पॉइंट चाहते हैं, उन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो वो हमें क्या दे देते हैं, एक पाथ दे देते हैं. थोड़ा सा अच्छा नहीं बना रहा हूँ मैं, रुक जाइए एक मिनट. तो ये जो है, ये जो आपको पाथ दे देते हैं, इस पाथ को ही आप कहते हो कि ये एक लाइन है, लीनियर पाथ है, इसे रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं. तो अभी लाइन है ये, ठीक है. तो ये इसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो की, और वो बन जाती है अगर आपके पास ए और बी और सी की वैल्यू पता हो तो हम उसको बनाना सीख चुके हैं. देखिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है. देखिए अब आपने ये समझ लिया कि यह स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है. इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से अगर ए को बदल दूँ तो मैं ए को कह देता हूँ कि ये कोई टू वैल्यू है, बी को कह देता हूँ ये कोई थ्री है और सी फाइव है. कोई और भी इक्वेशन बना सकता हूँ मैं, इसी तरीके से अनंत बना सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है. फोर एक्स कर दो, माइनस टू वाई कर दो, प्लस सेवन कर देता हूँ, तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं होती है, आप तो कोई भी वैल्यू कर सकते हैं. तो जनरलाइज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि दो वेरिएबल में है ये एक्स और वाई, दो वेरिएबल है तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए कम से कम, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो दो दो पार्ट टकराएंगे जैसे वो वाले में और ये वाले में टकराया था ना पीछे भी डायग्राम में, ठीक है. तो अब आप क्या करते हो, आप कहते हो कि चलिए सर दो पॉइंट मान लेते हैं, तो दो वैल्यू मान लेते हैं, तो ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन कर दीजिए, इससे आप ये टू थ्री फाइव वाली इक्वेशन बता दीजिए, और जिसमें आप ये सेकंड लिखा हुआ है उसको आप ए टू कह दीजिए, ठीक है. तो देखिए आप ऐसे ऐसे कहेंगे तो इससे आप दोनों इक्वेशन में डिफरेंस तो बता पाएंगे ना कि यहाँ पे कौन सी चल रही है और यहाँ पे कौन सी चल रही है. बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा. अब देखिए इसमें होगा क्या कि आपके पास ए वन और ए टू से एक दोनों से एक एक लाइन आ जाएगी, और वो दोनों लाइन अगर टकराएंगी तो कोई वो पॉइंट देंगी, वो जो पॉइंट होता है वही उनका क्या होता है, सॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि वो जो पॉइंट होता है वो दोनों को सेटिस्फाई करता है. देखिए इस बात को समझते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए कि अनंत पॉइंट है, हाँ, तो आपके पास एक पहले ग्राफ प्लेन मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है. ये हो गई हमारी एक, और हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक ये है और एक और ले लेते हैं लाइन, तो एक ये है, ठीक है. देखिए अभी ग्रीन वाली ऐसा नहीं है कि ग्रीन वाली के पास सिर्फ इतनी जगह थी, ग्रीन वाली तो आगे भी जा सकती थी, ठीक है ऐसे. लेकिन होगा क्या कि जब आप इसमें देखेंगे तो दोनों लाइन एक पॉइंट पे कॉमन पॉइंट होगा, यानी एक ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है. देखिए वो रेड वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है और वो ग्रीन वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है, क्योंकि वो दोनों पे लाई करता है तो इसीलिए उनका वो कॉमन सोल्यूशन कहलाता है. ये मतलब होता है किसी लाइन का सोल्यूशन कहने से आपको, ठीक है. अब आप समझे इस बात को. तो अगर आपके पास दो लाइन है, लाइन अनंत से अनंत तक जाती है और ये भी लाइन अनंत से अनंत तक जाएगी, ये फिक्स नहीं होती है, जो फिक्स होती है उसको लाइन सेगमेंट बुलाते हैं, लाइन का एक टुकड़े को सेगमेंट कहते हैं. अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा लेता तो ये टुकड़ा ए बी कहलाता लाइन सेगमेंट, लेकिन ये पूरी लाइन कहलाती है, वो अनंत से अनंत तक जाती है. तो दोनों लाइन कहीं ना कहीं अगर टकरा रही हैं, कहीं ना कहीं मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनको आप उस पॉइंट को आप कहते हैं उसका सॉल्यूशन. और ये पूरा चैप्टर इसी पर डील करता है कि कैसे आप एक लाइन, दो लाइन अगर आपको दी हैं दो वेरिएबल में, तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है. और आप ये देखिए इस बात को समझिए कि ये दो तीन केस बन सकते हैं इसमें, है ना. तो चलिए उसको समझते हैं पहले. जैसे आपके पास मान लीजिए एक प्लेन थी, ये मैंने ले ली एक फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह, और अगर आप मान लीजिए आपके पास एक प्लेन थी और एक लाइन ऐसे जा रही थी और एक लाइन और आ गई जो कि ऐसे कुछ जा रही थी, ठीक है. ठीक, तो देखिए अगर आप दोनों को देखेंगे तो आप नोट करेंगे वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप कहते हो कि ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और आप इनकी कंडीशंस निकालते हो. देखिए ग्राफिकली मैं आपको बस बता देता हूँ कंडीशंस, आपको ये याद रखनी है, प्लॉट हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, मैं करूँगा जरूर लेकिन घबराइए नहीं. देखिए तब ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू बराबर नहीं होंगे, हमेशा वो लाइन टकराएंगी, सी वन अपॉन सी टू से कोई मतलब ही नहीं है अभी. सिर्फ अगर ए वन अपॉन ए टू, दोनों लाइन का आपको पता है ये ए वन एक्स है, ये बी वन वाई है, इस तरीके से लिखी गई है, ये ए वन एक्स है, बी वन वाई है, सी वन इजकल टू जीरो है, और ये है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजकल टू जीरो. तो देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब टकराएंगी तो उनके लिए आपने कहा है कि ए वन अपॉन ए टू अगर बी वन अपॉन बी टू बराबर नहीं है तो हमेशा इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, उनका एक सोल्यूशन होगा,
एक ही होगा क्योंकि एक ही पॉइंट है, तो आप कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक। ठीक है, चलिए अगले पेज पे इसी बात को तथ्य के रूप में समझते हैं ग्राफ से। देखिए 2x-3y = 12 है, मैं आसानी लूँगा जैसे कि जल्दी से कर सकूँ। और एक इक्वेशन है 3x+5y = ले लेते हैं, चलिए 20 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं प्लॉट करता हूँ। देखिए प्लॉटिंग में फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं समझा चुका हूँ पहले ही, अलग एक पूरी सीरीज़ ही बना दी थी इसके लिए, तो आप उस पर देख लीजिएगा। अब मैं उसमें आगे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस वैल्यू लेके सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए ये हो गई, ये आपका एक्स और वाई हो गया। मैंने बताया था अगली बार जीरो रख के देख लो, अगर उससे काम बन जाता है तो वो आसान होता है। तो वाई को जीरो कर दो, वाई को जीरो करेंगे तो ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा 2, इसे डिवाइड कर देगा तो 6 हो जाएगा। इसी तरीके से एक बार एक्स को जीरो कर दो, एक्स को जीरो करेंगे तो -3 इसको डिवाइड कर देगा, तो ये गायब हो चुका है, ये है ही नहीं यहाँ पे, तो -3 इसको डिवाइड करेगा तो -4 बचेगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर हम एक्स को जीरो कर दें, यहाँ वही फ़ायदा मिलेगा, एक्स को जीरो कर देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 5 4 जा होता है, देखिए 4 जा हो गया। और अब मैं वाई को जीरो नहीं कर पाऊँगा, मैं वाई को 1 कर लेता हूँ। देखिए वाई को 1 कर दूंगा तो ये 5 हो जाएगा, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 3x+5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 3x = 15 हो जाएगा, तो x = 5 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी हो गया। अब आपके पास पॉइंट्स हैं, मैंने आप ये याद रखिएगा कि हमने इसे मज्यूम कर लिया है कि ये पॉइंट 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे है, इधर माइनस में है। ठीक है, तो और इधर भी माइनस में होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट मिल गए हमें, प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखिए 6,0 पहला पॉइंट है, तो आपको बता चुका हूँ मैं यहाँ पे होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है 0,-4, तो 0 पे आइए, -4 पे नीचे उतरिए, और ये पॉइंट मिल गया। देखिए दोनों पॉइंट मिल गए, अब आप लाइन बना लीजिए, पहली लाइन रेड से बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक सेकेंड, ठीक है ये सही है, बन गई। अब आप क्या करिए, अब दूसरी लाइन आपको बनानी है, उसके लिए पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो चलिए पॉइंट है 0,4 है, 0,4 ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 5,1, देखिए 5x-एक्सिस पे है, आप पहुंच गए हैं। अब 1 आपको वाई की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पे पहुंच गया, बस रुक जाइए, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसे ग्रीन लाइन से जोड़ देता हूँ। देखिए अब आपको दिख रहा है ना, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमेशा करेंगी। और आप देखिए इसमें चेक कर सकते थे डायरेक्टली कि 2/3 a1/a2 इज, अगर मैं लगाता -3/5, तो कभी बराबर होता है ये? नहीं होता है ना, तो देखिए इसलिए नॉट इक्वल टू, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दिस इम्प्लाइज द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स का कैसा होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कॉमन होता है, ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा, जो भी होगा फ्रैक्शनल में होगा, इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ। अभी क्वेश्चंस अगले वाले पार्ट में करूँगा, तब आपको अच्छे से वैल्यू दिखेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसी बात को रखते हुए एक और डिज़ाइन हुआ, वो डिज़ाइन ये था कि अब आप क्या कहोगे, अब आप बात करोगे, इंटरसेक्टिंग आपने बात कर ली, अब आप बात कर लो पैरेलल लाइन के बारे में। तो पैरेलल लाइन अभी आपने देखी थी ना, पैरेलल लाइन कैसी थी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन थी, वो टकराती नहीं थी, सही है। देखिए काफ़ी लड़के ये भी सोच रहे होंगे कि आप नॉन इंटरसेक्टिंग तो बुला ले रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो वो समझिए, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है टकरा रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब हुआ कि मतलब कहीं भी एक पॉइंट पे कॉमन उनका एक ओवरलैपिंग मतलब पार्ट नहीं है, कटती नहीं दूसरे को कहीं पे। ठीक है, तो बस रेल की पटरियों जैसी हैं। अब देखिए आप इनमें ऐसे समझिए कि अगर पैरेलल है तो कंडीशन हो गई है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, पर वो c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। देखिए अगर आपको ये वाली कंडीशन याद है, मैं इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको पहले। तो यहाँ से हम एक ग्राफ बनाएंगे, चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए मैं एक्सिस खींच ले रहा हूँ, ये एक्सिस आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे देखिए 2x-3y = क्या ले लो, 8 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका मैं 3 टाइम्स कर देता हूँ, 6x-9y = इसको नहीं करूँगा, इसको कर देता हूँ 15। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अगर आप इसे समझ गए, चलिए दोनों का पॉइंट निकाल लेते हैं। मैं पहली वाली इक्वेशन के लिए पॉइंट निकालने जा रहा हूँ, तो शुरू करते हैं।
तो देखिए आपके पास हो गया, ये लाइन आ गई, एक्स और वाई हो गया ये। देखिए पहले वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट के लिए। इसमें आप एक्स को जीरो रखेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, वाई को जीरो रख दीजिए। देखिए ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा तो एक्स क्या आ जाएगा, देखिए टू से डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा फोर, हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अब हम क्या करें, एक्स को वन रख देते हैं। देखिए एक्स को वन रख देते हैं, जब आप एक्स को वन रखेंगे तो यहाँ टू हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एट माइनस टू, सिक्स हो जाएगा। वाई उस माइनस थ्री से डिवाइड करेगा तो सिक्स अपॉन माइनस थ्री करेगा तो वो माइनस टू हो जाएगा। आप पॉइंट निकाल के देख लीजिएगा आराम से कॉपी में, मैं ऐसे ही बस जल्दी से कर दे रहा हूँ, मैं रैंडमली वैल्यूज़ ले रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या आने वाली है, मैं बस ले के ख़त्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, और उसी समय स्ट्राइक कर रहा है, आपको भी प्रैक्टिस के बाद आने लगेगा। ये मत कहिएगा कि सर हमको ये नहीं आता, आपको इतनी जल्दी कैसे दिख गया, ना मैं रट के आया था क्योंकि मैंने अभी भी जस्ट एकदम बनाई है। देखिए ऐसा होता है कि प्रैक्टिस जब आप करते रहते हैं तो आपको समझ में आता है, वैल्यू रख रख के आप चेक कर रहे होते हो भाई कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे इंटीजर मिले, इंटीजर मिले तभी सुखी हैं, फ्रैक्शन में थोड़ा दुखी हो जाता हूँ, आप भी हो जाएंगे, अगर आप नहीं होंगे तो मुझे बताइएगा कैसे आप फ्रैक्शन में सुखी हैं। ठीक है, तो वो सुख मैं भी ले लूँगा आपसे। तो देखिए अगर आपको सेकंड वाले के लिए प्लॉट करना है, देखिए सेकंड वाले के लिए अब बहुत सारे रास्ते हैं, जीरो रखने से फ़ायदा नहीं है दोनों में। देखिए जीरो रखेंगे तो ये भी फ्रैक्शन दे रहा है, और ये जीरो रखने पर ये वाला भी फ्रैक्शन नहीं देगा। तो वाई को वन वन रख के चेक कर लेते हैं, माइनस वन और प्लस वन दोनों पर काम होगा। तो अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे माइनस वन पर अच्छा दिख रहा है एक तो, ठीक है, मुझे वन पे भी दिख रहा है और माइनस वन पे भी दिख रहा है, तो मैं वाई वन पे रखता हूँ। देखिए वन पे देखिए क्या दिख रहा है, वन पे ये माइनस नाइन ही रहेगा, उधर जाएगा तो प्लस नाइन हो जाएगा, 15 प्लस 9 होता है 24, सिक्स से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा फोर। माइनस वन पे क्यों दिख रहा है, देखिए जब आप माइनस वन रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ नाइन आ जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस नाइन हो जाएगा, तो 15 माइनस 9 होता है सिक्स, और उसे सिक्स डिवाइड कर देगा तो वो हो जाएगा वन। मैं कुछ भी लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप बस उन्हीं को सुनिए और उसको दोबारा से अपने आप लिख के देखते रहिए। इतना आपको बुद्धि है, वाई को रख रहे हैं और आप एक्स निकाल लो, इतना सा इजी कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए पॉइंट्स आ गए, सज के एकदम बिल्कुल अच्छे से आ गए। तो मैं थोड़ा सा आपके गैप लेके ना 1 2 3 4 ऐसे लिख ले रहा हूँ, काफ़ी बड़े पॉइंट तो है नहीं, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा सा कम एरिया रहता है, थोड़ा उसको सही कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 सब लिख ले रहा हूँ मैं, और फिर हम लाइन बना लेंगे अभी। तो ये हो गया काफ़ी है, माइनस टू तो ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, 4,0 एक पॉइंट है, देखिए 4,0 एक पॉइंट है, तो 4x एक्सिस पे और y एक्सिस पे आप गए नहीं, ऊपर नीचे कहीं भी, तो बस यहीं रुक जाइए। 1,-2, तो x पे 1 पहुँचिए, 1 पहुँच गए, अब आप y पे -2 की तरफ मुड़िए, यहाँ मुड़ जाइए, रुक जाइए आके, बन गई आपकी लाइन। अब बस इसको जोड़ने का काम करना हमें, और ये हमने जोड़ ली। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस हो जाती है, एक मिनट बस, अभी ठीक है, काफ़ी है। अगला वाला देख लेते हैं, देखिए अगली वाली आप देखेंगे तो 4,1 है, तो 4 तो यहाँ पे 1 उसके ऊपर है, यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं, और दूसरा जो है वो है 1,-1, देखिए 1 पे आ गए और नीचे उतर आइए, ये -1 हो जाएगा, तो 1 x एक्सिस पे आए, वाई एक्सिस की तरफ मुड़िए क्योंकि -1 जाना है वाई पे, तो बस -1 आ गए। ठीक है, समझ ही रहे होंगे, बहुत ईजी है ये, 1,-1 बोल रहा हूँ मैं, इतना कुछ हाई फाई नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, बेहतर है उससे। तो देखिए ये आपको मिल गया, ये आपके पास आ गई दोनों लाइन। देखिए अब दोनों लाइन को आप देख रहे हैं, कहीं आपको लग रहा है मीट करेंगी, पैरेलल नहीं दिख रही है एकदम, बस। तो क्यों दिख रही है पता है आपको, क्योंकि 2/6 अगर आप निकालते और -3/-9, हाँ एक बात और, हमेशा साइन के साथ लिखिएगा, प्लस के साथ, अगर यहाँ प्लस होता तो सिर्फ 3 लिखता, माइनस है तो इसलिए माइनस लिखता हूँ। ठीक है, आप देखिए, अच्छा ये इसको इधर भी बुला सकते हैं आप, तो दोनों को इधर बुलाएंगे तो -8 हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा। देखिए ये और ये बराबर है, आपको नहीं लग रहा है, ये 1/3 है और ये भी -3 से कटेगा तो 1/3 है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो बस आप समझे। अगर वैल्यू a1/a2 b1/b2 के बराबर है, a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, और इसका नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि कहीं टकराएंगे ही नहीं, जब टकराएंगे ही नहीं तो सोल्यूशन कैसे देंगी कोई, यानी कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करे। इतनी सी बात है, देखिए बहुत छोटी बात है, आप समझ ही रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिएगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर समय मिलेगा वहाँ कमेंट बॉक्स में। ठीक है कि नहीं, तो घबराइए नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, समझ चुके होंगे पैरेलल लाइन से दिख भी रहा है। चलिए लास्ट केस ले लेते हैं इसका। लास्ट केस कहता है जब आपका ओवरलैपिंग लाइन्स होती है, इनको आप कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स है ना, कोइंसिडेंट लाइन्स है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग समझते हैं ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई है, जैसे आप अपने हाथ से एक हथेली अपनी दूसरी हथेली को छुआ ही दीजिए
तो जैसे नमस्ते करते हैं ना, हम कैसे नमस्ते करते हैं, तो दोनों हाथ जोड़ते हैं, तो वो ओवरलैपिंग हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से है ये, तो देखिए कोइंसिडेंट लाइन से ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में बेसिकली क्या होगा कि आपकी कंडीशन आ जाएगी, एक मिनट में बैकग्राउंड चेंज कर दूँ। हाँ, तो ओवरलैपिंग में क्या होगा, आपकी कंडीशन आ जाएगी कि अब तीनों इक्वल होंगे, बस ये आपके तीनों इक्वल हो जाएंगे। बात समझे आप? देखिए बहुत सिंपल है, आपको तीनों रेशियो इक्वल करके रखना है। तो फिर से वही तरीका, चलिए अगले पेज पे इसको समझते हैं। अरे बैकग्राउंड तो लाया ही नहीं मैं, रुकिए। हाँ आ गया, चलिए अब कर देता हूँ मैं। ये एक हो गया और ये वैल्यू दो हो गई, यहाँ से आ गए, ठीक है। अब फिर से दो इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए रैंडमली ले रहा हूँ मैं, 3x - y इज इक्वल टू से 8, और यहाँ मैं दूसरी ले लेता हूँ, 2 टाइम्स कर देता हूँ उसका, 6x - 2y इज इक्वल टू 16। मैं दिखाना चाहता हूँ कि सेम चीज़ तभी नहीं कर पाऊँगा वरना। तो देखिए पहली लाइन के लिए फिर से वही कथा, सेम कथा, ये हमने लाइन डब्बा बनाया, ये हमारा एक्स वाई आ गया। अब हम देखते हैं, देखिए जीरो रखने से फ़ायदा तो है, आप वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, पर बहुत निगेटिव हो जाएगी ना। ठीक है, आप कुछ और कर तो सकते हैं, वाई को वो 2 रख लेते हैं तो उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 तो अच्छा होता है, तो 4 रख देते हैं वाई को। तो देखिए वाई को आपने 4 रख दिया, इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 8 + 4 = 12 होता है, और डिवाइड बाय 3 करेंगे अब तो 4 हो जाएगा वो भी। अब माइनस भी रख सकते हैं, आप माइनस की वैल्यू रख दीजिए, 2 रख देते हैं माइनस का, तो यहाँ +2 आ जाएगा, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, सही तो है, तो -2 रख देते हैं। वाई को -2 रखा आपने, तो देखिए -2 रखा है यहाँ पर, ये माइनस है, ये प्लस कर देगा इसको, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 - 2 = 6 होता है, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, बन गया 2 पॉइंट। सिंपल था, इक्वेशन 1 मिल गई। अच्छा दूसरे वाले को नीचे कर देता हूँ, तो देखिए ऐसे लिख ले रहा हूँ, देखिए अब तो दोनों से कट जाएगा, 6x को 0 कर देता हूँ तो वाई फिर -8 आ जाएगा, मतलब कुल मिला के आ ही रहा है। कुछ छोटा ले लेते हैं, वाई को 1 कर देते हैं, देखिए वाई को 1 कर देते हैं, देखिए वाई को 1 करेंगे तो ये -2 होगा, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 16 + 2 कितना होता है आपको पता है, 18। हाँ इतना तो सभी को पता होता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, तो 16 + 2 = 18 हो गया, और डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है 1,3 आ गया। एक और पॉइंट देख लेते हैं, माइनस पे तो नहीं मिल रहा है, -3 रखेंगे तो भी मिल रहा है, -4 नहीं, -5, चलिए -5 रख देते हैं, देखिए वाई को -5 रख देते हैं, -5 रखेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, माइनस का 10 था वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस ही रख रहे हैं, माइनस रख रहे हैं इसलिए, तो -−+ हो जाएगा, 2 × 5 = 10 होता है, उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, 16 - 10 होता है 6, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आ जाएगा 1। मैं जानबूझ के दोनों पॉइंट सेम ही निकालना चाह रहा हूँ, वैसे वो सारे पॉइंट एक ही होने वाले हैं, पर मजबूर हूँ मैं। चलिए छोटा छोटा पॉइंट रखा है जानबूझ के, इतना दिमाग तभी लगाता हूँ मैं कि ज़्यादा बड़ा ना मिले पॉइंट मुझे, आप भी लगा लीजिएगा। देखिए बहुत कुछ टिपिकल नहीं होता है, थोड़ा सा इसको देखिए, वैल्यू रख रख के सोचिए कि क्या इंटीजर दे देगा, जो सा इंटीजर दे देगा वही आपका सक्सेस है, ठीक है, घबराइए नहीं इसमें। वैसे भी मैं पहले ही कह चुका हूँ मैं इसका सेपरेट सीरीज बनाया हूँ, तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं, तब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, कोशिश करूँगा फिर एक और बार समझाने की किसी एक पार्ट वीडियो बना के। चलिए तो नेक्स्ट कर लेते हैं इसमें, देखिए अब आपके पास लाइन आनी चाहिए, पहले पॉइंट आना चाहिए ना, तो 4,4 एक पॉइंट है, चलिए कलर बदल दूँ मैं लाइन का, तो 4,4 आपके पास एक पॉइंट आ गया, और 2,-2, देखिए 2 तो यहाँ पे है और -2 नीचे आएंगे तो ये आ गया, आ गया, चलिए इसे ज्वाइन कर देते हैं दोनों पॉइंट को, ठीक ये आ गई लाइन। अब आप क्या करिए, अब आपके पास क्योंकि ये लाइन आ गई है, अब आप दूसरी लाइन के लिए चल दीजिए, तो दूसरी लाइन हमको पता है, हमको 3,1 देखना है, तो देखिए एक्स पे 3 आ गए और वाई पे 1 आ गए, देखिए यहीं पे लाई कर गया, समझे आप, वो होना ही है, हथेली से जैसे आप हाथ जोड़ते हैं वही वाली परिस्थिति बनने वाली है। और 1,-5, देखिए 1 ये है और -5 नीचे होगा, तो वो मेरे ग्राफ में नहीं आ रहा है, ठीक है नीचे कहीं पे होगा, ये पॉइंट सक्सेस नहीं मिल रहा है मुझे, मैं एक और पॉइंट निकाल लेता हूँ, -5 मेरे ग्राफ में, फिर वो स्क्रीन के बाहर चला जा रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी उसकी, तो ऐसा करते हैं कुछ रख देते हैं, इसमें क्या रखें, 16 + 4 = 20 हो जाएगा, 16 प्लस, चलिए यही रख देता हूँ, अब एक्स को 2 रख देता हूँ, नहीं मजबूर हूँ मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप एक्स को 2 रख दीजिए, तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 16 - 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 को आप -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है वो यही आ जाएगा। आप रख के देखिएगा, एक्स को 2 रखिएगा यहाँ पे सेकेंड वाली में, और इसको देखिएगा प्लॉट करके, ठीक है आपको -2 ही मिल जाएगा वाई की वैल्यू, बस इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अब क्योंकि आपने ये वैल्यू निकाल ली है, ये कितनी आ गई है, -2 आ गई है, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -2 है, तो देखिए 2 और -2 यहाँ पे ही है,
तो ये दोनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं, वैसे वो नीचे भी वही मिलेगा मुझे, लेकिन मैं एक्सटेंड नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन, थोड़ा सा देखिए ये दोनों लाइन जो है ये आगे जाने वाली है, ये आगे मीट कर जाएगी, बस कुछ नहीं दिक्कत है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये ओवरलैप कर रही है, ये आगे भी जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी, ये ऐसे भी जाएगी आगे। तो ये दोनों लाइनें ओवरलैप कर रही हैं, इसी को आप कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। तो ये कब करती हैं आपको पता लग गया, जब देखिए रेशियो देखिए 3/6 -1/-2, और इसको उधर भेजेंगे तो -8 आएगा, और उसको उधर भेजेंगे तो -16 आएगा। एक ही साइड होते हैं तभी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है ना, ax+by+c=0 की, ठीक है। देखिए सब रेशियो इक्वल आ गए, आप देखिए 3/6 1/2 होता है, -1 -1 कट जाएगा, --1/2 होता है, ये भी माइनस ये भी माइनस कट जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 होता है। देखिए तीनों इक्वल आ गए, तो ही कैसी लाइन हो गई, ये पैरेलल लाइन या आई एम सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, ठीक है, या ओवरलैपिंग लाइंस कहते हैं आप इसे। देखिए ये तीनों ठीक है, और यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है, तो यहाँ एक सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ तो दोनों ओवरलैप कर गई, तो अनंत सॉल्यूशन है, चाहे आप ये पॉइंट बोलें चाहे ये बोलें चाहे ये, देखिए कोई लिमिट ही नहीं है, सारे पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसीलिए आप इन्हें कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, बात समझ गए। चलिए एक लास्ट बात आप समझ लीजिए यहाँ पे, इसके प्रॉब्लम में नेक्स्ट टाइप करूँगा, ठीक है। एक होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन और एक होता है इनकंसिस्टेंट पेयर। तो क्या हमें याद रखना है, मैं बता देता हूँ आपको। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूशन मिले, तो दोनों हो सकता है, आइदर यूनिक मिले वन सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर मिले इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी मिले। दोनों केस में आप कहते हो कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है, मतलब आपको कुछ ना कुछ वैल्यू वो दे रहा है, तो कंसिस्टेंट है ना। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन ना हो। आपको पता है ये किस केस में हुआ था, हाँ जब लाइंस कैसी थी, पैरेलल लाइंस थी। ये कब मिला था आपको पता है, यूनिक, हाँ सही आप सोच रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। और लास्ट वाला कब मिला था हमें, जब कोइंसिडेंट लाइंस थी, बिल्कुल आपने सही सोचा, जो लड़के ये सोच रहे थे उस समय बिल्कुल सही सोच रहे थे, कोइंसिडेंट लाइंस थी, और जो कुछ और सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। वापस से वीडियो देखिए, ठीक है, जब आप वापस से वीडियो देखेंगे तो मेरा व्यू एक बढ़ जाएगा, ठीक है, वो मजाक कर रहा हूँ, आप नहीं देखें तो अच्छा है, एक ही बार देखिए समझ लीजिए और नोट्स बना के लिख के फुर्सत हो जाइए, ठीक है। देखिए यूनिक सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो कोइंसिडेंट लाइन्स है, ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं आप। और नो सोल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट है सिस्टम, और कैसी लाइन होंगी, तब पैरेलल लाइन्स होंगी। जो कंडीशन पढ़ाई है वो सबके लिए वही है, वहीं पर लिखवा दी है, इसका चार्ट बना के अगली बार दूंगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम इनके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, समझ गए बात को। तो चलिए इतना ही काफ़ी था आज के लिए, नेक्स्ट पार्ट में जब मिलेंगे तो आगे प्रॉब्लम्स करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उतना अच्छा नहीं है तो डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि क्या चीज़ है जो मैं सही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय।